गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगे। किसके लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण के लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे वो मंत्र बता दो। एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, लाने मिला हुआ बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गाय गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लिखने के लिए स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, सारा संसार उस एक ही परम सत्ता का विस्तार है। 11 अप्रैल 1988 को पूज गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस संबंध में गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है,
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभि दीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। 13 विसर्ग 2। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्ज ज्ञानम मतम मम। 13 विसर्ग 3। अर्थात भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही जान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तु च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। 13 विसर्ग 17। भगवान कहते हैं, और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से सहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि ज्योतिस्तम सह परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। 13 विसर्ग 18। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति माया से अति परे कहा जाता है, वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला सबके हृदय में स्थित है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। 13 विसर्ग 23। अर्थात भगवान कहते हैं, पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात माया अतीत है, साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो भिजायते। 13 विसर्ग 24। अर्थात भगवान कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। हिंदू धर्म का तो मूल मंत्र मैं आत्मा हूं यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है, परंतु इस समय माया का इतना घोर प्रभाव हो चला है कि चारों तरफ घोर अंधेरा है, संसार में सात्विक प्रकाश का नितांत अभाव हो चला है। अध्यात्म की चर्चा करते ही इस युग का मानव डरता है, क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात धर्म से लोप हो चुकी है। इस समय केवल वाद विवाद शब्दजाल और तर्कशास्त्र के सहारे अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। वाद विवाद झगड़े की जड़ है, इसीलिए लोगों ने झगड़े के भय से धार्मिक चर्चा भी करनी बंद कर दी है। यह स्थिति धर्म के घोर पतन का संकेत करती है। संसार के सभी धर्मों की कमोवेश एक ही स्थिति है। यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती।
अधिक समय तक नहीं रह सकती है, क्योंकि पतन की दृष्टि से धर्म चरम सीमा लांग चुका है। अतः परिवर्तन अवश्यंभावी है। उत्थान और पतन का यह क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है। युग परिवर्तन उस परम सत्ता का विधान है, यह कोई नई बात नहीं हो रही है। रात और दिन का यह क्रम जिस प्रकार निरंतर चल रहा है, युग परिवर्तन भी कालचक्र के अधीन निरंतर होता आया है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है, सहस्त्र युग पर्यंत महर्य दो ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। 8वें सर्ग 17। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युग अवधि वाला और रात्रि को भी हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व को जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। मेरी आज की स्थिति के बारे में जब मैं शांत चित्त से सोचता हूं तो एक ही नतीजे पर पहुंचता हूं कि मेरे माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वह उस परम सत्ता की शक्ति का ही चमत्कार है, जो कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण ही मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है मैं तो मात्र दृष्टा भाव से देख रहा हूं। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं, करता तो कोई और ही है। मुझे जैसे नचाया जा रहा है, नाच रहा हूं। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, अन्न बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल की। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संचालक समर्थ सदगुरुदेव परम पूज्य श्री कल की भगवान की असीम अनुकंपा से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह शाम दोनों वक्त संचालित होता है, जिसमें सुबह 5 से 5:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और उसके बाद ध्यान किया जाता है, तथा इसी प्रकार शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, सामूहिक ध्यान किया जाता है, इसके बाद गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है और उसके बाद हम सब गुरु भाई बहन आपस में गुरुदेव के सिद्ध योग से संबंधित जो भी अनुभव होते हैं उन्हें मंच पर साझा करते हैं। इसी क्रम में मैं आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। जो भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहता है उनका मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन गुरुदेव के सिद्ध योग से संबंधित कोई अनुभूति हो तो अपना हैंड रेज करें और मंच पर उसे साझा करें। कोई नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन है तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। हेम प्रभा गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। मैं अपना एक्सपीरियंस कई बार शेयर कर चुकी हूँ। जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मुझे काफी सारी योगिक क्रियाएं हो रही है, अभी भी हो रही है, पर कल जो हुआ वो सबसे अलग ही था। कल मैं वही ये सारी क्रियाएं हो रही थी, सब एक्सरसाइज हो रही थी, तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आके लेट गए, तो फिर मेरा हाथ जो है वो उनके पेट की तरफ चला गया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो मेरा हाथ इनके पेट की तरफ चला गया और दोनों हाथों से
उनके पीठ पर धीरे धीरे वो होने लग गया वाइब्रेशन से, या हाथ मतलब ऐसे धीरे 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 थपथपाने लगी। फिर धीरे धीरे जो है हाथ पैरों की तरफ जा रहे थे, पीठ की तरफ जा रहे थे, सर की तरफ जा रहे थे, सर की तरफ जाके आगे चक्र के ऊपर, तो फिर पूरा जोर जोर से मतलब थपथपा रही थी। फिर वो माथे पे आ गया, हाथ पे आ गया, सीने पे चला गया। तो ये काफी देर तक चला, तो मतलब हंसी भी आ रही थी। वैसे तो कभी इनके मतलब मैंने कभी पैर नहीं दबाया या कुछ नहीं है, लेकिन वो क्रिया में जो है सब कुछ हो रहा था। और फिर आज मॉर्निंग में भी ऐसे ही हुआ, जब मैं उठाने गई अचानक से योगिक क्रिया स्टार्ट हो गई, फिर इनकी पीठ थपथपाने लगी और हाथ बिल्कुल जहां पर इनका वो पॉइंट है जहां पे इनको दर्द फील होता है वहां पे बहुत धीरे धीरे हाथ से मतलब मैं सहलाने लगे। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि आपका वो पॉइंट यहीं पर है जहां पर दर्द होता है? तो ये बोले हाँ। तो बस फिर धीरे धीरे वो पीठ का थोड़ी देर मतलब सहलाना हुआ, थपथपाना हुआ, फिर थोड़ी देर बाद ये रुक गया। तो वही है, गुरुदेव की कृपा है बहुत। मतलब ये है कि मतलब मैं वही गुरु की महिमा हम जान ही नहीं सकते कि वो कब क्या करवा देते हैं। तो ये एक आशीर्वाद ही मैं ले रही हूँ कि क्या पता इसे उनका जल्दी ठीक हो जाए, जो भी इनकी दर्द है, जो जिस पे से ये गुजर रहे हैं। तो ये मेरा मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर। गुरु बहन मतलब जो हमारे आसपास होते हैं उन पर भी गुरुदेव इतनी कृपा करते हैं। जी विनोद कुमार भी कुछ आपसे शायद पूछना चाहते हैं। स्वागत है गुरु बहन। और कोई अनुभव हो तो है प्रभा गुरु बहन, और कोई हो तो आप अभी बता सकते हैं। नहीं बस यही है, बाकी तो एक्सरसाइजेस तो हो ही रही है, वो तो डेली हो रही है। हाँ जी जी। हेलो, जय गुरुदेव। गुरु बहन, जय गुरुदेव। मैं ग्रुप में एक अर्जी लेके आया हूँ। मेरे क्या है, मैंने क्या कल चेकअप करवाया मेरी मम्मी का, तो कल क्या है मेरी मम्मी के पित्त की थैली में और लीवर में कैंसर आ गया। तो मैं सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को ये अपील करना चाहता हूँ भी सारे प्रार्थना करें भी मम्मी ठीक हो जाए। यही था अभी, सारे प्रार्थना करो। जी गुरु भाई, आपकी मम्मी ध्यान करते हैं गुरुदेव का? नहीं जी, वो ध्यान नहीं करते हैं। वो क्या है, वे उनसे क्या मंत्र जाप नहीं होता है, तो वो मैं तो उनको ऐसे फोटो दे रखी है उनको और बोला है भी हाथ जोड़ा करो और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मुझे ठीक करो गुरुदेव, ऐसे बोलो आप। तो वो तो होता है। अभी क्या है, मैं शाम को जब घर पे जाता हूँ तब मैं ईयरफोन मंत्र जाप लगा देता हूँ, वो सुनते रहते हैं। तो मंत्र जाप क्या है, गांव से है ना, तो हेलो जी गुरु भाई बोलिए। मेरी आवाज आ रही है गुरु? जी जी आ रही है गुरु भाई, आप बोलते रहे। तो वो क्या है भी, फिर वो मंत्र जाप कर नहीं सकते, उनसे क्या है भी वो मंत्र जाप होता नहीं है, थोड़ा मुश्किल लगता है उनको। गुरु भाई मतलब ये जरूरी नहीं है कि मंत्र जाप नहीं हो तो मतलब गुरुदेव कृपा नहीं करते हैं। हालांकि बीमारी ठीक करने के लिए गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है कि मंत्र जपना पड़ेगा, लेकिन एक समर्पण हो और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो तो गुरुदेव अपने आप मंत्र शुरू करवा देते हैं। तो उनको बोलो कि आप मंत्र जाप नहीं हो रहा इसकी वजह से आप ध्यान, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं करो, आप गुरुदेव से प्रार्थना करो और गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाओ। निश्चित रूप से गुरु भाई बहुत लोगों की ऐसी बीमारियां ठीक हुई है और उन पर भी कृपा होगी गुरुदेव की। तो आप बस उनको ध्यान करने के लिए बोलो और मंत्र सुनाओ गुरुदेव का, धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा अपने आप हो जाएगी। गुरुदेव से प्रार्थना करो, डेफिनेटली हम सब भी गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित जी गुरु भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव विनोद गुरु भाई। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई एक बात पूछनी थी आपसे, ये आपकी मम्मी जो है
वो किसी और देवी देवता की आराधना करती हैं क्या, किसी के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा हो, आस्था हो, या किसी दूसरे गुरु से गुरु मंत्र ले रखा हो? नहीं, कोई ऐसा गुरु मंत्र वाला तो नहीं है। वो क्या अपने इष्ट देवता होते हैं, जैसे हमारे क्या है काली माता की पूजा होती है और भैरू की बाबा की पूजा होती है, उनके आगे भद्रकाली की धोख लगा लेते हैं। वो ऐसे हैं यहाँ भी, या किसी से वो किसी से कुछ टोटका वगैरह कोई मतलब दौरा करा लिया, वो करा लिया। तो वो तो मैंने अभी तो मैंने सब कुछ बोल दिया है, अभी मैं जो भी है सब कुछ छोड़ दो, आप जो भी है आप हाथ जोड़ने हैं, किसी से कुछ मांगना है तो गुरुदेव से मांगो, किसी के आगे हाथ मत जोड़ो। और ये तो मैंने बोल दिया है, वो अब तो बोल रहे हैं अभी, हाँ भी बस मैं इन्हीं के आगे हाथ जोड़ दूंगी। पर मंत्र जाप तो क्या है उनसे होता नहीं है भैया, क्योंकि गांव के वो पुराने लोग होते हैं ना, तो उनका पता ही है, अनपढ़ है, तो अंतर जाप बहुत मुश्किल है उनके लिए। मैंने बहुत कोशिश की तो मंत्र जाप हुआ नहीं, तो मैंने बोला तो आप जय गुरुदेव करो और गुरुदेव मुझे ठीक करो कैसे भी, मैंने ये बोल रखा है उनको। जी जी गुरु भाई, जो है ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ये जो गुरु बहन ने आपको बताया है ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जो है गुरुदेव के प्रति आस्था है, समर्पण। दो दिन से इतना परेशान हुआ पड़ा हूँ, पूछो मत, मैं तो बस मेरी क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस चीज का डॉक्टर के पास तो इलाज ही नहीं है, कहाँ लेके जाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा फिर भी ऐसे तो है नहीं, भी डॉक्टर भी ये बोल रहा है भी आप बस इनकी सेवा करो, जितने दिन है इनके पास जो ये मांगे वो ला के दो, फिर भी भर्ती कर देंगे। मैं भर्ती कर लोगे फिर इलाज करोगे, फिर या तो आप खत्म करो इस बीमारी को, तब तो भर्ती कर लें। अब क्या करें, मेरे तो समझ से बाहर है, मेरे तो यही दिखता है, मुझे गुरुदेव के अलावा मुझे तो कुछ नहीं दिखता। मैंने तो गुरुदेव का ही बोला है, मैं कि बस मुझे तो यही डॉक्टर लगते हैं। गुरु भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, अगर कोई ठीक कर सकता है ना तो एक ही शक्ति है, गुरुदेव ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो गुरुदेव से प्रार्थना तो खैर करते ही होंगे, और ज्यादा करुण प्रार्थना करिए। ठीक है, करुण प्रार्थना करिए गुरुदेव से। करता हूं गुरु भाई, सारा दिन करता हूँ, इतना मतलब परेशान हुआ पड़ा हूँ ना, मैं मेरे खुद का नहीं बोल रहा, अभी मेरी शुगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मम्मी को करो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। 3 दिन से ना मेरे जिंदगी में इतना मतलब मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इतना परेशान हुआ पड़ा। गुरु भाई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कल की अवतार हैं, हम कल की अवतार के जो है ना शरण में हैं, तो ये बात जो है ना आपको शोभा नहीं देती, हम लोगों को शोभा नहीं देती। बस इसी वजह से ही मैं काम कर रहा हूँ या चल रहा हूँ गिर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, बस और मुझे कुछ नहीं दिख रहा गुरुदेव के अलावा, मेरे ऐसे नहीं भी आम मैं किसी से बात करूं वो कुछ करूं, जो भी है मतलब जिसका सुनता हूं सुन लेता हूं, सुन के और मैं गुरुदेव को मन में ये बोलता हूं गुरुदेव देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, देखो आप ऐसे दिन मुझे ही दिखाने थे क्या, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या गलती कर रहा हूं मैं यही नहीं समझ आ रहा। गुरु भाई आप कोई गलती नहीं कर रहे, सिर्फ गुरुदेव ये चाहते हैं थोड़ा सा आप सघन नाम जप करो। तो हम लोग जो है ना इंसान, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि जब तक हमारे डंडे नहीं पड़ते ना दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता। ठीक है, हम लोग संसारिक जो है ना प्रपंचों में, संसारिक सुख सुविधाओं में, भोगों में लगे रहते हैं। तो गुरुदेव ये चाहते हैं थोड़ा सा आप सघन नाम जप करो। और दूसरा एक बात और मैं कहूंगा कि मम्मी को आप जो है ना वो अनुभूतियां सुनवाओ, वो तमाम लोगों की जो ठीक हो गए, जिनकी लाइलाज बीमारियां गुरुदेव ने ठीक कर दी, तो उससे क्या होगा, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और आस्था और श्रद्धा जो है वो बलवान होती है। तो आप उनको वो थोड़ा सा सुनाओ, वरना उनका मन भटकता रहेगा दूसरी देवी देवताओं पे। तो आप उनको बताइए, तमाम आपको तो पता है ना, नहीं तो हम आपको गाइड कर देंगे, यूट्यूब पे है, हमारे वेबसाइट पे है, हर जगह ऐसी हजारों अनुभूतियां हैं, पता है ना आपको। तो आप उनको वो दिखाइए, वो उनको सुनाइए, यहाँ तक कि जो वीडियो इंटरव्यू है जिसमें वो खुद पेशेंट जो है वो बता रहा है कि मैं देखो कैसे कैसे मौत के मुंह में था और ठीक हो गया। ठीक है, और मैं ये भी चाहूंगा आप मेरा फोन नंबर ले लो कहीं से भी, और आप मुझे कॉल करना बाद में। ठीक है, तो
मैं थोड़ा सा कुछ और भी आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी मदर को वो तमाम अनुभूतियां सुनवाओ, दिखाओ कि देखो मम्मी, देखो जब ये ठीक हो सकते हैं, गुरुदेव इनको ठीक कर सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं करेंगे, ये बताओ, है ना। और मंत्र जाप अगर मम्मी नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम आप अच्छा कर रहे हो कि आप जो है वो मंत्र सुनाते रहते हो मम्मी को, है ना। जी गुरु भाई, एक पेशेंट जो है जिसको मैंने ऐसे ही जो है गुरुदेव की प्रेरणा से बताया था, वो उनको भी कैंसर था और वो जो होश में भी नहीं थे, तो उनके बेटे ने मेरे को फोन किया तो बताया कि ऐसे से बात है पिताजी को, ऐसे से मैं, अब मैं बताओ क्या करूं। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो मंत्र जाप कर नहीं सकते, तो आप एक काम करो, ये मंत्र जाप का मैं ऑडियो क्लिप भेज रहा हूँ 1 घंटे का, ये उनको सुनवाओ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो मैं तो ये सोच रहा था वो दिन रात सुनाएंगे, लेकिन वो नौकरी करते थे बेटे, तो उन्होंने सिर्फ 1 घंटा सुबेरे सुनाया, 1 घंटा शाम को सुनाया, लेकिन आप फिर भी देख लो उसका परिणाम देखो आप। अगले दिन जब डॉक्टर चेकअप करने के लिए आया तो बोला आज तो इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, और तीसरे दिन तो वो होश में आ गए, और 5-6 दिन में जो है ना उठ के बैठ गए, खाना खाने लग गए। तो ये आप ठीक कर रहे हो, वो संजीवनी मंत्र जो है सुनवा रहे हो उनको, और बाकी जो है उनसे बस मम्मी को समझाओ कि गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ के गुरुदेव से प्रार्थना करें, भले ही वो जय गुरुदेव करें, लेकिन उनकी शरणागत चली जाए, जैसे गुरु बहन ने बताया कि गुरुदेव के प्रति आस्था समर्पण वो जरूरी है, वो ही चमत्कार कर देगा। क्योंकि आपने भी वो सुना होगा किस्सा कि एक गुरु बहन थी वो गांव की, वो गुरुदेव के पास गई, बोली मंत्र नहीं होता मेरे से बिल्कुल भी, समझ ही नहीं आता मंत्र। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तू तो अगरबत्ती कर दिया अगर, बस उसी से हो जाएगा तेरा कल्याण। तो गुरुदेव चाहे तो क्या नहीं कर सकते। गुरुदेव ने एक बार कहा भी था एक शिष्य से, गुरुदेव ने कहा था कि ये सारा जो है ना मंत्र वगैरह ये सब तो मैं बताता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है ये गुरुदेव, कल्कि अवतार है, तो इनकी तो इच्छा से ही सब कुछ हो सकता है। ठीक है, एक तरीका बताया है कि भाई मंत्र जाप करो, लेकिन उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर वो हमारे समर्पण से खुश हो गए तो बस समझ लो फिर वो वैसे ही जो है ना कल्याण कर देंगे। पहले नहीं करवाते थे गुरुदेव, पहले नहीं करते थे जब जय गुरुदेव करवाते थे लोगों से, या राम राम कृष्ण वो करवाते थे, तब भी तो ठीक होते थे। और एक सुनीता बहन आया करती थी इसी सेशन में, जिनको मंत्र भी नहीं मिला था, मंत्र तो उनको 3 महीने बाद मिला था, लेकिन आप उनसे पूछना सुनीता बहन से कि 3 महीने में कितने चमत्कार हुए उनके साथ, जबकि मंत्र भी नहीं मिला था, सिर्फ फोटो मिली थी। तो गुरु भाई आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, और मम्मी को जो थोड़ा सा प्रेरणा दो, उनको अनुभूतियां सुनवाओ, ठीक है, उससे उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी, और जैसे जैसे उनका समर्पण बढ़ेगा ना, बस देखना आप चमत्कार गुरुदेव का, वो तो कल की अवतार है, क्या नहीं कर सकते बताओ। ये मम्मी को अभी तक बताया नहीं है ना अभी क्या बीमारी है, मम्मी को तो ये बोल रखा है भी आपके इन्फेक्शन हो गया, तो इसलिए मम्मी को अभी तक हमने बताया नहीं है। वो ठीक है, को मैंने मना कर रखा है हमें कोई बताना मांगी ये बीमारी है। जी जी, वो ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, वो बताना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ उनको ये तो पता है ना मम्मी को कि मेरे को तकलीफ है, तो बस उनको ये बोलो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरी तकलीफ दूर कर दो, मेरे कष्ट काटो, ये शब्द हैं गुरुदेव के। गुरुदेव ने कहा है ना कि झुककर प्रार्थना करो, मैं एक छोटी सी वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, नहीं तो मैं भेज दूंगा, जिसमें गुरुदेव कहते हैं झुककर प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान में जब मैं दिख जाऊं तो ये बोलना मेरे कष्ट काटो। तो मैंने तो एक बार पहले भी कहा था मैं गुरुदेव के शब्द पकड़ लेता हूं, फिर गुरुदेव से कहता हूं गुरुदेव आपने ऐसे ऐसे कहा था, तो आप जो है बस ये प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरे कष्ट काटो, और मम्मी को भी यही सिखा दो कि मम्मी यही बोला करो गुरुदेव मेरे कष्ट काटो, फिर आप देखो कैसे कष्ट काटेंगे। दरअसल क्या है, वो हमारे पाप कर्म होते हैं जो प्रारब्ध होता है उसको काटते हैं गुरुदेव, तो वो बस उनको ये बता दो कि गुरुदेव से प्रार्थना करें मेरे कष्ट काटो, गुरुदेव मेरे कष्ट काटो, और मैं तो बस आप ही की शरण में हूं, मैं जैसी भी हूं आपकी शरण में हूं, आपका आपके अलावा मेरा कोई नहीं है बस। और वो आस्था वो समर्पण वो ठीक है, वो गुरुदेव ही करवाते हैं वो बात भी ठीक है, लेकिन उनको आप जो है ना मोटिवेशन देने के लिए पहले कुछ लोगों के जो वैसे ही जो है मतलब जैसे किसी की मानसिक बीमारी ठीक हो गई, किसी की कुछ और हो गई, कैंसर वाले मत दिखाओ आप, दूसरे पे दिखा दो,
कि देखो ये भी तो जो है ना ठीक हो गए ना, इनकी कैसी कैसी समस्याएं दूर हो गई, तो मम्मी आपकी भी हर समस्या दूर होगी। अब आप गुरु भाई कुछ बोलना चाहे तो बोले। जय गुरुदेव। मैं तो सभी को एक बार ये बोल रहा हूँ भी सेशन में, जो सारे गुरु बहन गुरु भाई है, तो मेरे लिए प्रार्थना जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि मुझे गुरुदेव के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। हम सारे अब कल के लिए बोल रहे भी, कल बीकानेर लेके चलते हैं मम्मी को, पर मुझे ये है भी, मैं ये सोच रहा हूँ भी रात रात में ठीक हो जाए तो गुरुदेव के शरण में ही रहे। मुझे जितना विश्वास है गुरुदेव पे, पर वो मेरा वो विश्वास ना टूटे, मैं ये चाहता हूँ। सुबह तक अगर गए, अगर कल अगर वहां गए बीकानेर गए, तो मैं ना तो मैं ध्यान कर सकूंगा, ना मैं क्या करूंगा, मैं मेरे समझ से बाहर हुआ पड़ा है, और ना फिर, इसलिए मेरा विश्वास यही है भी, मैं ये चाहता हूँ यहाँ भी हो सके तो सुबह तक ठीक लगे तो ये हो भी, हाँ भी कहीं नहीं जाना, बस गुरुदेव के आगे ठीक। तो आज घर से यही कॉल आई थी भी, हाँ भी कल बीकानेर लेके चलते हैं, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर मेरे मन में से अजीब हो गया, फिर पंकज भैया को फोन किया, पंकज भैया ने बोला, फिर मैंने पंकज भैया को भी बोला आप एक बार ग्रुप में बोल देना भैया। तो है गुरुदेव से तो वो ना टूटे, बस मेरे तो बस यही है मेरा। गुरु भाई आपका जो है ना विश्वास नहीं टूटने देंगे, और हम सब लोग तो प्रार्थना करेंगे ही, लेकिन जैसे कि गुरुदेव ने कहा है ना कि सघन मंत्र जाप आप करोगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा। वो गुरुदेव बताते हैं ना आदि भौतिक आदि दैहिक और आदि दैविक, वो सारे कष्ट दूर होते हैं, फिजिकल डिसीज, मेंटल डिसीज, स्पिरिचुअल डिसीज, और गुरुदेव कहते हैं इससे बाहर कोई रोग है नहीं, कोई कष्ट है नहीं, कोई दुख है नहीं, तो सारे दुख दूर होते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा जितना सघन नाम जप करोगे कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। तो मैं तो ये कहूंगा अपनी माँ के नाम ना समर्पित कर दीजिए एक आज की रात, आज सारी रात जो है करुण प्रार्थना करिए, मंत्र जाप करिए आप बैठ के गुरुदेव से। हाँ वो तो करता हूँ गुरुदेव, पर पता है गुरु भाई क्या है भी, कई माँ तो माँ ही होती है, आपको भी पता है, पर जब माँ अपने सामने ऐसे रोए और चिल्लाए तो फिर वो सहन नहीं होता है, मेरे क्या है मैं सहन नहीं कर पाता, वो ऐसे चिल्लाते हैं ऐसे करते हैं तो फिर मेरा ध्यान पता नहीं सारा, मतलब मेरे इतना, मतलब मेरा दिमाग ऐसे हो जाता है, मेरा मंत्र जाप भी मेरे समझ में नहीं आता अभी, मैं कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा हूँ। अब दो दिन से तो ऐसे मतलब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा मंत्र जाप भी, मैं चल रहा है सही चल रहा है, फास्ट चल रहा है भी, ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा, सारा दिन ऐसे बात घूमती रहती है, मम्मी ऐसे कैसे ठीक होंगे क्या करें, उनकी जो तकलीफ है ना वो नहीं देखती सारी ने। गुरु भाई तकलीफ आप नहीं देख, अब जाऊंगा मैं, आप घर जाऊंगा मैं, घर जाते ही बस मेरे भाई, क्योंकि सारी कल सारी रात मैं जाग रहा था, मम्मी के पास ही था मैं, रात को कभी बोले ये कर, कभी बोले वो कर, कभी ये टेबलेट देते वो देते, दर्द हो रहा कभी कुछ कभी कुछ, सुबह 4 बजा दिए थे मैंने, उसके बाद पता नहीं चला, मुझे तो नींद आ गई थी, पर तुम्हें फिर भी वो ऐसे रो रहे थे, पता नहीं आज सारा दिन मैं तो काम पे आ गया था, पर मेरे भाई ने बोला भी हाँ भी तकलीफ में है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गुरु भाई आपने वो केस भी सुना होगा, गुरु भाई आपने भी वो केस सुना होगा ना, वो बद्री और गंगा सिंह वाला जो है, जिसने अस्पताल में लेटा हुआ था और गुरुदेव की फोटो लगा दी थी उसके सामने, बस उसी से वो ठीक होता चला गया, और दीक्षा तो उसने बाद में ली थी। तो एक काम अगर नहीं कर रखा तो गुरुदेव की फोटो लगा दो वहां पे, जहाँ पे भी माँ लेटी हुई है ना। हाँ मैंने रख रखी है फोटो, वहाँ फोटो तो मैं तभी ले गया था, मैं साथ में पहले मेरे रूम पे लेके आया था मैं, वहां मैंने मंदिर लगा रखा है गुरुदेव का, तो पहले गुरु मंदिर के आगे भी बैठाया था, यहाँ से फिर फोटो लेके गया था मैं, घर पे फोटो भी लगा दी थी, तो जहाँ पे मम्मी लेटी हुई है, जहाँ मम्मी लेटी हुई है वहाँ लगा रखी फोटो के पास है। हाँ जी चारपाई के पास ही है, ऊपर जैसे बैठी है उसके ऊपर।
ऊपर रख रखी है मैंने, यहाँ भी सारा दिन इसको देखो आप, इनके आगे हाथ जोड़ो। पर मैं तो मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है भी हाँ भाई मम्मी करते हैं, पर कई बार क्या होता है मैं जिस इंसान की तकलीफ होती है ना तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है, दौड़ता है, वो ऐसे बोलता है भी हाँ भी इससे ही ठीक हो जाए, क्या पता इससे ही ठीक हो जाए, इससे ही ठीक हो जाए। तो मैं तो गुरुदेव को ही बोलता हूँ भी हाँ भी गुरुदेव कैसे ही करके मम्मी को अपनी शरण में दो, हाँ भी वो तो आपकी तरफ ही ध्यान करे। गुरु भाई आपसे जो है ना शायद सुरेश कुमार जी भी बात करना चाह रहे हैं, मैं एक लाइन और बोलूंगा। गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात बोली हुई है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। आप ये जो है ना मन में जरा सा भी भटकाओ मत लाओ कि शायद वहां ठीक हो जाए, शायद वहां ठीक हो जाए। नहीं मैं नहीं लेके आता, मेरा बस मेरा विश्वास यही है, मैं तो चाहे मर जाऊंगा पर मैं गुरुदेव को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मेरा यही है, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा पर मैं मेरी मम्मी के हिसाब से बोलता हूँ, क्योंकि उनके जितनी तकलीफ हो रही है ना उसके हिसाब से मुझे डर लगता है यदि मम्मी गुरुदेव का साथ ना छोड़ते। गुरु भाई पता है क्या है, जिस चीज का इलाज ना हो ना तब दिक्कत होती है, अब क्योंकि उस बीमारी का इलाज ही नहीं है, लोगों के लेकिन आप तो जानते हो कि जो लाइलाज बीमारियां हैं गुरुदेव वो भी ठीक कर देते हैं, इनक्योरेबल ठीक कर देते हैं, जिसको मेडिकल साइंस जो है जवाब दे चुकी होती है, ये आप तो जानते हो ना। बस गुरुदेव पे ही आस है मेरी तो, पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसकी आप परवाह मत करो, गुरुदेव जो है ना, गुरुदेव ने तो कहा है ना डॉक्टर सिर्फ उतना ही जानता है जितना अंदर वाले ने उसको ज्ञान दे दिया, बस उतना ही जानता है वो। तो इसीलिए गुरु भाई जो है ना आप जो है भरोसा रखो और अपना मंत्र जाप करते रहो, ध्यान अगर आपका नहीं भी हो पा रहा तो आप मंत्र जाप करते रहो, क्योंकि मंत्र जाप ही चाबी है। आप मंत्र जाप करते रहो, गुरुदेव से करो प्रार्थना करो, गुरुदेव की करता हूं। पता नहीं इतने मतलब पहले जब बढ़िया मेरा निकल रहा था, मेरे शुगर से है, मेरे डायबिटीज के कारण जोड़ा था मैं, तो मुझे ऐसे लगता था अभी हाँ भी चलो शुगर होगी कभी ठीक होगी, एक दिन गुरुदेव कुछ कर देंगे, चमत्कार कर देंगे और एक दिन में खत्म कर देंगे, अपने बस गुरुदेव पे आस है। पर मैं मेरा तो चलो कोई ना, पर मैं ऐसे औरों का दुख नहीं देख सकता, मेरे बस ये है अभी, मैं मेरी मम्मी ऐसे होती है ना तो बस मेरे, क्योंकि मेरा जो भी है सब कुछ है मेरी मम्मी। जी गुरु भाई आप गुरुदेव में विश्वास बना के रखें और प्रार्थना करते रहें, गुरुदेव खुद बोलते हैं कि कोई भी रोग असाध्य है ही नहीं, तो आप इस बात पे मत जाओ कि इसका इलाज ही नहीं है, हम जानते हैं कि इसका इलाज है, बाकी डॉक्टर नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि इसका इलाज है हमारे गुरुदेव के पास, और आप अपनी एक निष्ठ आराधना बना के रखें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, बिना मंत्र जाप के भी अनंत कृपा करते हैं गुरुदेव, मैं खुद भी इसका उदाहरण हूँ, तो आप बिल्कुल किंतु परंतु सब निकाल दो और गुरुदेव को बोल दो कि आप जानो और आपका काम जाने, मेरी माँ जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है गुरुदेव आप जानते हो, और बस आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, आप गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाएं, निश्चित रूप से ठीक होगा, गुरुदेव खुद कहते हैं कि कोई रोग असाध्य है ही नहीं, और जिस रोग के लिए मेरे पास आए हो उससे नहीं मरोगे स्पष्ट कहा है गुरुदेव ने, तो गुरुदेव के वचनों में विश्वास रखें गुरु भाई, निश्चित रूप से आपका आपके मम्मी ठीक होंगे और गुरुदेव कृपा करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे गुरु भाई, आप चिंता नहीं करें और गुरुदेव के प्रति अपनी एकनिष्ठ आराधना बनाए रखें गुरु भाई। गुरुबहन जय गुरुदेव सभी को। जी गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई मुझे घर जाना है, मैं अभी इसीलिए सेशन से आज जुड़ा था, क्योंकि दो दिन से तो मैं जुड़ नहीं रहा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और आज मैं इसीलिए बैठा था, मैं सेशन में बोलना है भी हाँ भी सभी के हाँ भी प्रार्थना करें, अभी क्या है अभी मैं जाऊंगा, अभी मेरे गाँव जाऊंगा जहाँ नहीं है, तो यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है तो वहां जाऊंगा, इसलिए जुड़ा था, किसी को कोई और कुछ बोलना है तो सारे बोल सकते हैं पर थोड़ा जल्दी बोले।
सुरेश शर्मा जी गुरु भाई स्वागत है। सेशन से अब मेरा मन हल्का हो जाता है, सेशन से जुड़ा हूँ आज तो मेरा ऐसा है अभी। हाँ भी क्योंकि इससे पहले तो वो क्या है मेरा दो दिन से तो इतना मतलब ऐसे ही नहीं लग रहा था। अभी मैं किसको बोलूं, क्या बोलूं, मैं किसको बताऊंगा, किसके आगे ये बोलूं भी, मुझे ये तकलीफ है, वो है वो है। फिर मुझे यही लगता है भी, मुझे तो ये ग्रुप में यही परिवार लगता है मुझे तो, कि हाँ भी यहाँ बोलूंगा तो शायद मेरी सुनेंगे। जी जी गुरु भाई, अपने साथ तो साक्षात परम ब्रह्म है गुरु भाई, आप चिंता मत करो, उनके आगे बोलने से कष्ट कटते हैं हमारे, तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी और की। हम सब प्रार्थना करेंगे। सुरेश जी गुरु भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब आप चिंता ना करें, गुरुदेव सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। और मेरे जो है ना, मेरे भी एक स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि स्पाइन में कर्वेचर आ जाता है, तो बहुत वर्षों से है। अब इसकी वजह से अब इन दिनों में जो है ना कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, तो मेरे लिए तो गुरुदेव ही हैं। बैठ जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, अब आज कोई अलग तरह की प्रॉब्लम हुई तो कल वो ठीक हो जाएगी, और डॉक्टर की जहाँ जरूरत पड़ती है एडवाइस ले लेते हैं, थोड़ी बहुत दवाई ले लेते हैं, तो ऐसे मतलब ठीक हो रहा है, मतलब नॉर्मल महसूस कर रहे हैं। अब कल ही प्रॉब्लम हो गई, आज ध्यान किया, ध्यान में जो क्रिया हुई वो आज ठीक हो गई। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूँ, बहुत गंभीर बीमारी है, हम कोटा से हैं, कोटा में एक रमेश जी चौधरी हमारे मतलब छोटे हैं, हमारे से भाई साहब बोलते थे, तो वो माइंस का काम है, उनके 800 मजदूर काम करते हैं, तो उनको स्पाइन में प्रॉब्लम हुई और एक हाथ एक पांव, उनको डॉक्टर ने बोला कि भाई आप दिल्ली इसका ऑपरेशन होगा या कोटा जयपुर में इलाज संभव नहीं है, मतलब इतने एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं, बहुत वर्षों पुरानी 2012 की बात है। तो वो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे घर पे, तो उनका मैनेजर हमारे ऑफिस में आया, तो मैंने पूछा, मैंने क्या हाल चाल है भाई साहब के, तो भाई साहब बेड पे हैं, मैंने क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो गई। मैं उनको मिलने गया शाम को, तो वो गुरुदेव का फोटो रहता है छोटा सा, वो साथ में ले गया, तो वो मेरा रिगार्ड करते थे बहुत, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी पूरी बात बताई। मैंने उनको कहा भाई साहब हमारे पास तो एक चीज़ है, अगर आप इसका अडोप्ट करें तो हो सकता है ठीक हो जाए, तो बताओ। तो मैंने गुरुदेव को फोटो बता दिया उनको, तो मैंने कहा आपको ये तो गुरुदेव हैं, ये बाबा गुरुदेव हैं, तो आपका ध्यान करना है आगे चक्र पे, तो आपका ध्यान कौन से फोटो पे ठहरेगा, तो मेरे तो ये दाढ़ी वाले बाबा हैं ना, इनके फोटो पे ठहरेगा, चलो मैंने इनका ध्यान करना है 15 मिनट सुबह शाम को, और एक नाम जपना है आपको, राम या कृष्ण का कोई सा भी जो भी आप, तो हमारे घर में तो खाटू श्याम जी को मानते हैं, तो मैं कृष्ण कृष्ण जप लूँगा आकर, चलो मैंने ठीक है अब ये करके हम आ गए वहां से। अब दूसरे दिन उनको क्या है योग क्रियाएं शुरू हो गई, वो नाम जब शुरू किया ध्यान किया ना, तो योग क्रियाएं शुरू हो गई, और वो योग क्रियाएं रुके नहीं, फिर तीसरे दिन भी उनको चली तो योग क्रियाएं, तो उनका इतना असर हुआ उसका कि जो हाथ काम नहीं करता था ना, तो पहले तो दो लोग पकड़ के बाथरूम में ले जाते थे, तो उन्होंने खुद ने कहा मेरे को बिठा दो मैं खुद ना लूंगा, जो हाथ काम नहीं करता था वही हाथ जो है मतलब उसका मग्गा उठा रहा है, बाल्टी में जा रहा है, पानी ले रहा है, सिर पे डाल रहा है, उसी से साबुन खुद साबुन लगा रहे हैं, और वो मतलब अच्छा। जो फर्स्ट डे उनको योग क्रियाएं हुई, तो उनके जो भाभी हैं उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई साहब आपने ये क्या कर दिया, आप ये रोते रहते फोन कर रहे हैं मेरे को, कहा आप इनको बंद कराओ, इनको जो भी हो रहा है ये हमारे हाथ में ये तो नहीं है, हमारे हाथ में तो बताना था, अब चालू भी गुरुदेव ने कराई तो बंद भी गुरुदेव ही कराएंगे। उन्होंने कहा इनको चलने तो ये ठीक हो जाएंगे भाई साहब, इनसे कहना ये हम हमारे घर के नाराज हो रहे हैं कि कौन आया था ये, किसने क्या कर दिया यार। तो वो तो वो बात करके उन्होंने फोन काट दिया, मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से। इतने में जब उनका मौका लगा तो रमेश जी नाम था उनका, उन्होंने मेरे को वापस फोन किया कि भाई साहब मेरे जो है बहुत सुधार हो गया है, और ये मैसेज ऐसे कह रही है, आप इनकी बात में बताना, और आप तो प्रार्थना करो गुरुदेव से जो मेरे को ज्यादा से ज्यादा जो क्रियाएं हो
मेरा पांव भी ठीक हो गया, मेरा हाथ भी ठीक, मतलब था भी ठीक हो गया। और ये तो ये लोग तो मेरे को दिल्ली ले जाना चाहते थे 10-15 लाख रुपए, और मेरे खर्च होते करते, और मैं परेशान होता, मेरा जीवित भी रहता कि नहीं रहता इस तरह से। तो वो दूसरे दिन फिर उनको जब योग क्रियाएं हुई, तो उनके जो बड़े भाई साहब जॉइंट फैमिली थी, उनको उनकी वाइफ ने बताया कि ये कौन आया था, किसने क्या किया है। तो मेरा नाम ले दिया उन्होंने, तो नंबर बता, मेरे से बात करिएगा, आपने हमारे साथ जो किया है वो किसी के साथ मत करना, और उनको कसम दिला दी कि इनसे कभी बात मत करना। पर उन्होंने फिर भी जो है बाद में मेरे को फोन किया, आपका हमारा आत्मा का संबंध है, अब ये तो मेरे को मारना चाहते थे, और मैं अब बिल्कुल ठीक होने जा रहा हूँ, और आपका नंबर मैं डिलीट करा दिया है, वो तो मैंने मेरे मैनेजर से नंबर लेके और आपको फोन किया है, और आपको मैं फोन भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ठीक हो गया, मैं आभारी हूँ, और मैं जो है चुपके चुपके गुरुदेव का ध्यान करता रहूंगा। तो वो माइंस में जो है बैठ के वहाँ घर पर तो नहीं कर पाते थे, लेकिन वो कम से कम 2012 से आज तक बिल्कुल ठीक है वो। ये गुरुदेव की लीला है, तो दुख सुख जीवन में दोनों चलते हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। और मैं खुद ही मतलब स्पेन का पेशेंट हूँ, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अभी काइफोस्कोलिसिस बोलते हैं उसका इलाज नहीं होता, पर मैं ध्यान के सहारे गुरुदेव की मेहरबानी के सहारे अपना आराम से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और बाकी सब कुछ गुरुदेव के ऊपर निर्भर है। हाँ, दवाई जो लेनी है डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो लेते रहो, और प्रार्थना करते रहो, हम भी प्रार्थना कर देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। गुरुदेव तो निश्चित रूप से जो है वो विनोद जी, गुरु भाई आप अपनी मम्मी को जो गुरुदेव के साधकों के अनुभव से संबंधित वीडियो और वो है वो दिखाए, उनको बोले कि जब इस तरह की बीमारियां ठीक हो सकती है तो आपकी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक सकारात्मक वो आएगा ना उनके अंदर गुरुदेव के प्रति, तो उसी क्षण गुरुदेव की कृपा होना शुरू हो जाएगा। तो आप वो चीज उनको वीडियो दिखाएं और उनको पॉजिटिवली मतलब थोड़ा इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें कि इस तरह की बीमारियां इनसे ठीक होती है, तो उससे थोड़ा उनमें सकारात्मक भावना आएगी और पॉजिटिव माहौल बना के रखें और उनको गुरुदेव का ध्यान करने के लिए बोले गुरु भाई, निश्चित रूप से कृपा होगी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जी गुरु बहन, जी गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी को। अभी तो मुझे जाना होगा, मैं जा रहा हूँ। जी जी जी, ठीक है, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे या अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है उनका। सेशन का समय भी हो गया है, मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई स्वागत है आपका, सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार, जय गुरुदेव, जय हो, जय गुरुदेव सुनील जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।